34 की उम्र में अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ कर हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ सवाल अपनी ज़िंदगी को बना कर चले गए। एक इंस्पिरेशन फिल्म इंडस्ट्री में एक आइडियल बनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों आखिर ऐसा कदम उठाया, एक ड्रास्टिक स्टेप उन्होंने क्यों उठाया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किलों से मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे किस तरह से उनके साइकेट्रिस्ट ने खुद ही कई जवाब दिए। साइकेट्रिस्ट ने जो कहा वो सुनकर यकीनन आपको भी झटका ज़रूर लगेगा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करने वाले तीन डॉक्टरों का बयान आया। तीनों डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे। ये बीमारी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है, और स्ट्रेस में इंसान जब सही डिसीज़न नहीं ले पाता तो डिप्रेशन की ओर बढ़ता है। सुशांत सिंह राजपूत की स्थिति भी ऐसी हो गई थी। कहना है इस बीमारी को लेकर डॉक्टर का कि असल में इस बीमारी की वजह से सुशांत बिल्कुल भी किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। एक डॉक्टर से दो से तीन बार मिलने के बाद वो दूसरे डॉक्टर की ओर रेफर करते थे। इसी कारण से सुशांत सिंह राजपूत का ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो गया था करना, यहाँ तक कि वो दवाई भी सही समय से नहीं ले रहे थे। ये सारे कारण थे जिसके कारण वो मेंटल स्ट्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, और लॉकडाउन के समय में अकेलापन उनके मेंटल स्ट्रेस को और बढ़ाता चला गया। डॉक्टरों ने ये स्टेटमेंट दिया, पुलिस तक ये बात पहुंची है। हाल ही में सुशांत केस में राजीव वसंत को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां पर राजीव जो फिल्म क्रिटिक्स हैं उनके नेगेटिव क्रिटिक्स को लेकर सुशांत से जुड़े सवाल उनसे किए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।